पंजाब की रोपर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस आज सुबह 4:34 पर बांदा जेल पहुंची। बांदा जेल पहुंचने पर मुख्तार अंसारी की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई। इसके बाद 4 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप किया। पहले तो मुख्तार को सामान्य बैरक में रखा गया था, लेकिन बाद में उसे जेल के अंदर बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया। फिर अचानक ही सरप्राइज देते हुए उसे बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया। बैरक नंबर 16 तन्हाई बैरक है। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम दोपहर 2:07 पर रोपड़ से रवाना हुई थी। पंजाब से होते हुए ये काफिला शाम 4 हरियाणा के करनाल पहुंचा। इसके बाद नोएडा, मथुरा, आगरा और कानपुर होते हुए पुलिस का काफिला सुबह 4:34 पर बांदा जेल पहुंचा। मुख्तार को लाने के दौरान काफिले की स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से यूपी लाया जा रहा था तो उसके ऊपर हमले की आशंका जताई गई थी, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया गया था और मुख्तार अंसारी को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया गया। बांदा जिला जेल की निगरानी पहली बार ड्रोन कैमरे से होगी। बैरक नंबर 15 को CCTV से कवर किया गया। इस कैमरे के जरिए जेल प्रशासन लगातार मुख्तार की बैरक पर नज़र रखेगा। साथ ही जेल में मुख्तार के करीब वहीं जेल कर्मी जा सकेंगे जो बॉडी वॉर्न कैमरा पहने होंगे। साथ ही बांदा जेल को 30 सुरक्षाकर्मी भी दिए गए हैं।